गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि नंबर सिस्टम मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने क्लियर किया था। आई होप आपने वो अच्छे से समझा होगा। सो आज मैं सिक्स क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट आपको करवाने जा रही हूँ, एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट चैप्टर है हमारा नोविंग योर नंबर्स। नंबर से जैसे आपको पता चलता है नंबर्स होती है हमारी संख्या, गिनती। आज हमने उनके बारे में जाना है क्योंकि अभी तक हम सिंपल काउंटिंग ही पढ़ते आए हैं। अब हमने उस काउंटिंग को कैसे जोड़ते हैं, कैसे वो थाउजेंड से हंड्रेड लैक किस तरह से कन्वर्ट होते हैं, आज वो हम सीखेंगे। अब देखो फ्लिंडी ब्लैंक से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको दिया हुआ है वन लैक इक्वल टेन थाउजेंड, ठीक है। यानी हमने टेन थाउजेंड को वन लैक के इक्वल करना है। तो देखो बेटे, पहले हमारा वन लैक, वन लैक के अंदर होती है हमारा फाइव जीरो, कितनी, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। और टेन थाउजेंड के अंदर होती है हमारी वन टू थ्री एंड फोर जीरो। अब यहाँ फाइव है, यहाँ फोर जीरो है, तो यानी हमें टेन थाउजेंड को वन लैक के इक्वल लाने के लिए हमें इसके अंदर एक जीरो और इंक्लूड करनी पड़ेगी, और वो तब होगी। और एक वन जीरो किसके साथ होती है, टेन के साथ, यानी हम इसको टेन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें एक जीरो और इंक्लूड हो जाएगी और ये टेन थाउजेंड वन लैक के इक्वल आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज वन मिलियन। वन मिलियन के अंदर सिक्स जीरो होती है, कितनी होती है, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, तब ये बनता है हमारा वन मिलियन। वन मिलियन को हमने कन्वर्ट करना है हंड्रेड थाउजेंड के साथ, किसके साथ, हंड्रेड थाउजेंड के साथ। हंड्रेड थाउजेंड के अंदर जीरो होती है फाइव, कितनी होती है, फाइव जीरो होती है। अब यहां होती है देखो सिक्स, यहां फाइव। अब इस फाइव को हमने किसके अंदर कितनी जीरो इंक्लूड करनी होगी, सिक्स जीरो, यानी वन जीरो और इसके अंदर हमने करनी है, तो इसको भी हम किससे करेंगे, टेन से मल्टीप्लाई। ओके, अगला है नेक्स्ट हमारा वन करोड़। वन करोड़ के अंदर होती है सेवन जीरो, कितनी होती है, सेवन जीरो। और ये क्या है हमारा, टेन लैक। टेन लैक को हमने किसके साथ इक्वल करना है, हमने वन करोड़ के इक्वल करना है। करोड़ में होती है हमारी सेवन जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। ओके, अब इसके टेन लैक, टेन लैक के अंदर होती है सिक्स, तो इसी तरह इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स से, सॉरी टेन से, कि इसके साथ भी एक जीरो और इंक्लूड हो जाए, तो ये किसके, टेन लैक किसके इक्वल हो जाएगा, वन करोड़ के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा सेकेंड, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमेरिकल। यानी हमने जो भी आपको स्टेटमेंट दी है उसको हमने पहले न्यूमेरिकल के अंदर डालना है, फिर उसके अंदर हमने कोमा लगाना है। कोमा समझते हो ना, कोम्बे का सिंबल होता है ये वाला, ओके सबने देखा होगा। सो हमारा क्वेश्चन है 73,75,307। 73 लैख, तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, 73 लैख। देखो मैंने किया हुआ है लेकिन मैं दोबारा करके दिखाती हूँ, 73 लैख हमने लिख दिया। अब देखो क्या है, 73 तो हमने लिख दिया, ये क्या है, लैख। लैख के अंदर मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था कितनी जीरो होती हैं, फाइव। तो हम आगे क्या करेंगे, फाइव इसमें निशान लगाएंगे ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। फिर 75,000, 75,000। फिर नेक्स्ट क्या है उसके बाद, 307, 307। अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि 300 और यहाँ पे दिया हमने 7, देखो क्वेश्चन वही गलत हो जाता। अब आपको ये टिक लगाने से पता चल गया कि देखो हमारे पास एक फ्लिंडी ब्लैंक्स तो रह गया, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन गलत है। तो 307 यानी 300 है तो 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7। देखो हमारे सारे फ्लिंडी ब्लैंक्स कवर हो गए, तो ये क्या हो गया हमारा 73,75,307। ओके, अब इसके अंदर इन्होंने ये पूछा था, अब स्टेटमेंट से ये हमने न्यूमेरिकल में चेंज हो गया, हो गया। अब इसके बाद इन्होंने बोला था कि आपने इसमें कॉमास लगाने हैं, तो सबसे फर्स्टली हमने इस चीज के अंदर ये देखना है कि देखो बेटे यहाँ पे दिया हुआ है लैक, और सबसे पहली चीज ये है कि अगर यहाँ पे लैक दिया हुआ है तो ये लाख दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारी इंडियन रूल है, ठीक है। इंडियन रूल के हिसाब से हम कॉमा लगाते हैं पीछे से लास्ट थ्री डिजिट को से को छोड़ते हुए, ओके, फिर टू डिजिट को छोड़ते हुए, और फिर हमारा जो भी बचता है वो, ये हमारा इंडियन रूल कहता है कि हमने कॉमास ऐसे लगाना है, क्लियर। जस्ट उसके बाद हम
आड़ा इसका इसी का ही हमारा देखो सेकंड पार्ट 9,05,41 क्या है 9,05,41। अब 9 करोड़ है देखो 9 करोड़ के अंदर मैंने कितना बताया था कितने डिजिट होते हैं 7 तो पहले मैं लिख लूंगी यहाँ पे 9 और 7 0 होते तो मैं 7 वो लगा लूंगी इसमें निशान 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये क्या है देखो 9,05,41। तो 9 करोड़ में मैंने देखो तब भी बताया था कि 9 और उसके बाद हम क्या लगाना शुरू करेंगे 7 जिसमें 0 होती है तो 7 हमने टिक किया। अब देखो 9 करोड़ हो गया 5 लाख लाख के अंदर कितनी जीरो बेटा मैंने बताई थी आपको लाख के अंदर होती है हमारी 5 जीरो तो हम पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5 यानी 5 टिक हम छोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 5। अब है 5 लाख हो गया अब ये लिखा रखा 41 के बाद कुछ नहीं है तो ये लास्ट का डिजिट हो गया तो मैंने यहाँ पुट कर दिया 41। ओके अब देखो बीच में क्या बचा अब हमारे पास कुछ नहीं है इतने बोला था तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो ये फिलिंग दी बैंक्स यहाँ 0 यहाँ 0 0 0 आया समझ में। अगर हम ये टिक नहीं लगाते तो आपको कहाँ पता चलता कि 0 यहाँ पे इतनी आएगी और यहाँ इतनी आएगी और क्वेश्चन वहीं पे हमारा गलत हो जाता इसलिए मैं आपको ये फिलिंग दी बैंक्स के टिक लगा के बता रही हूँ ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए। सो अब हम नेक्स्ट कर क्वेश्चन करते हैं तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शेखर इज ए फेमस क्रिकेटर प्लेयर ही हैज सो फार स्कोर्ड 6,980 रन इन टेस्ट मैच ही विशेज टू कम्प्लीट 10,000 रन हाउ मैनी मोर रन ही नीड। ये क्या कहता है देखो इस क्वेश्चन के अंदर कि कहता है शेखर एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर है ठीक है और उसने वो बहुत अच्छा स्कोर किया है उसने रन बनाए हैं 6,980 रन ठीक है कहता है लेकिन उसकी इच्छा है कि वो इसके अंदर 10,000 अपने स्कोर कंप्लीट करे तो कहता है कि अब उसने 6,980 रन यानी 6,980 रन वो बना चुका है तो वो आगे और कितने रन उसको नीड है कि वो 10,000 कंप्लीट करे। तो देखो मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि आपको 50 रुपीज की जरूरत है ठीक है मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाती हूँ यहाँ पे 50 रुपीज की आपको नीड है आपके पास आगे 30 रुपीज तो आपको कितनी की और जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करोगे इसमें माइनस करके देखोगे ना तो आपको 20 की और जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखो हम क्या स्टेटमेंट बनाएंगे रन टू अचीव उसने कितनी अचीव करनी है 10,000 रन स्कोर्ड उसके पास स्कोर कितने हुए हैं 6,980 इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3,020 रन की यानी उसको नीड है। आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ में आए होंगे। नेक्स्ट आज के लिए सिर्फ इतना ही अभी आप सो हैव ए नाइस डे जो हम नेक्स्ट कल आपको एक नई वीडियो के साथ अभी आगे मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी सो बाय टेक केयर।